Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind, and in today's video we will talk about mineralogy part 4. Okay, so हमने बात की थी पिछली वीडियो में मिनरल क्लासेस की. ठीक है, बाय द वे माय नेम इज स्वप्निल सिंह बिस्ट एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड बिकम द मेंबर ऑफ GeoMind यूट्यूब फैमिली बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री. सो पिछली वीडियो में हमने बात की थी मिनरल क्लासेस की. ओके, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि कैसे अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इफेक्ट करता है मिनरल क्लासेस को. ठीक है, हमने अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखा था कि कैसे ये डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं मिनरल क्लास के. ठीक है, फिर हमने डिफरेंट मिनरल क्लासेस के बारे में पढ़ा था. देन वी टॉक्ड अबाउट सिलिकेट्स, ओके, द मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, हमने इनके बारे में भी पढ़ा. एंड कैसे SiO4 4- जो अनायनिक ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर देखा था. सो हियर इज अ बॉल एंड स्टिक मॉडल, बहुत ही फेमस मॉडल है जिसमें सिलिकन जो कैटायन होता है ये बीच में होता है एंड द लार्जर एनायन ऑफ ऑक्सीजन आर सराउंडेड, ओके, सराउंड द सिलिकन, सॉरी. सो ओवरऑल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, 4- होता है बिकॉज सिलिकन का कैटायन जो होता है उस पर चार्ज होता है +4 एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल. ओके, सो वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन सबसे ले लेता है. और आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है. ओके, सो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, -4. ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो इसी के बेसिस पे कि कैसे ये टेट्राहेड्रा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सिलिकेट्स का, सिलिकेट मिनरल्स का, वो कैसे लिंक करता है, उसी के बेसिस पे हम सिलिकेट्स को और भी ज्यादा ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें आइसोलेटेड. ठीक है, आइसोलेटेड, ये कोई लिंक नहीं हो रहा है सिलिकेट टेट्राहेड्रा यहाँ पे, तो ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड टेट्राहेड्रा या नेजो सिलिकेट. ठीक है, फिर इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर भी डिफरेंट मिनरल क्लासेस आती हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑलिविन मिनरल ग्रुप, गार्नेट मिनरल ग्रुप. ठीक है ना, और भी मिनरल ग्रुप हैं जो इसके अंदर आते हैं. देन सिंगल चेन सिलिकेट्स, ओके, सिंगल चेन में क्या हो रहा है, ये टेट्राहेड्रा जो है एक सिंगल चेन बना रहा है आपस में लिंक होके. ठीक है ना, सो ऑक्सीजन आयन्स आर लिंकिंग टुगेदर टू फॉर्म अ चेन. ओके, तो इसमें सिंगल चेन बना रहा है तो हम सिंगल चेन बनेंगे जिसमें पायरोक्सिन मिनरल ग्रुप आता है. ओके, सो इन डबल चेन सिलिकेट क्या हो रहा है, ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा चेन तो बना रहे हैं लेकिन आपस में यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं, तो आप देखोगे तो डबल चेन बन रही है. ठीक है ना, देन इसके अंदर क्या आता है, एम्फीबोल मिनरल ग्रुप आता है. ठीक है, देन देयर आर टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट जिसमें एक शीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. ओके, तो इसके अंदर जो मिनरल ग्रुप आता है वो माइका आता है. ओके, एंड देन देयर इज 3D फ्रेमवर्क जिसमें आप देख रहे हैं 3D स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहेड्रा आपस में मिलकर एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है, तो क्वार्ट्ज फेल्सफार अपना जो मिनरल ग्रुप है वो इसके अंदर आता है. ठीक है, सो ये बात रही सिलिकेट्स की. एंड व्हाट वी विल डू इज दैट जब हमारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और ये जो बेसिक पॉलिंग रूल्स होते हैं, ठीक है, वो अगर हम बनाएंगे और उसकी वीडियो ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हम सीधा मिनरल ग्रुप पे आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल ग्रुप पे. ठीक है ना, सिलिकेट की वीडियो हम बाद में बनाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, तो मेरा नाम है स्वप्निल सिंह बिस्ट एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे काफ़ी होती हैं और होपफुली आज हम कवर करेंगे हैबिट, कलर, लस्टर, प्ले ऑफ कलर, ल्यूमिनेसेंस एंड इरिडिसेंस को. ठीक है ना, और देखेंगे अच्छे से कि कलर जो प्रॉपर्टी है वो, उसके बारे में एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, प्ले ऑफ कलर के बारे में काफ़ी पूछा जाता है. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, बिकॉज सब्सक्राइबिंग ऑलवेज मोटिवेट मी टू क्रिएट न्यू कंटेंट फॉर यू गाइस. ओके, तो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात क्यों आती है, क्योंकि अगर हम फील्ड में जाएंगे, ठीक है ना, और कोई मिनरल हमें मिल गया फील्ड में, ठीक है ना, तो कोई मिनरल मिल गया तो हम सीधा उसे उठा के क्या लैब में थोड़ी लेके जाएंगे,
उसका हम पहले क्या करेंगे, विजुअल ऑब्जर्वेशन करेंगे, आंखों से देखेंगे कि भाई कैसे वो दिख रहा है, ठीक है ना, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, किस शेप में वो मिल रहा है या किस कंडीशन में हमें वो मिल रहा है, ठीक है ना। फिर उसकी हम स्ट्रीक पता लगाएंगे कि भाई अगर रगड़ने पे वो कैसा कलर दे रहा है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर प्लेट, स्ट्रीक प्लेट जिसे हम बोलते हैं, उस पे रगड़ने पे वो कैसा कलर दे रहा है। फिर हम देखेंगे कि भाई वो कहीं से टूट तो नहीं रहा है, इजिली ब्रेक तो नहीं हो रहा है, इन स्मूथ प्लेन्स, ठीक है ना, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। तो ये सब हम देखेंगे, तब हम उसकी हार्डनेस देखेंगे कि सॉफ्ट है या बहुत ही हार्ड है, ठीक है ना। तो इनसे क्या होगा, इन ऑब्जर्वेशन से क्या होगा कि हम एक नैरो डाउन कर सकते हैं उस मिनरल को, क्योंकि आपको पता है कि मिनरल ग्रुप बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रॉपर्टीज से हम उसे नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेमाटाइट का एग्जाम्पल लें, तो हेमाटाइट का जो स्ट्रीक होती है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है या चेरी रेड होती है, ठीक है ना। तो अगर हमें वैसा टाइप का मिनरल मिल गया तो हम उसे नैरो डाउन कर सकते हैं, भाई हो सकता है ये हेमाटाइट हो, ठीक है। सो ये बात रही कि हाउ मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं, विजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें हम बिना किसी टूल की मदद के पता कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, सॉल्युबिलिटी इन HCl, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, इनके लिए हमें थोड़ा टेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और बहुत ही बेसिक टेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इसमें हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। देन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स होती है, फिर हम उसे अगर डीप और स्टडी करना चाहें उसकी, तो हम महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है ना, इनके जरिए, जैसे SEM, EMP, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, TEM, ठीक है, एक्सरे पाउडर डिफ्रेक्शन, इन टेक्निक के जरिए हम उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये बात रही कि हाउ मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो बेसिक तीन प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं फिजिकल, केमिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम, और देखेंगे लाइन बाय लाइन। देखो, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन मिनरल इन हैंड स्पेसिमेन बिगिंस विद मेकिंग ऑब्जर्वेशन, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, एंड ओवरऑल फॉर्म और क्रिस्टल हैबिट इफ इट वेल क्रिस्टलाइज, ठीक है। तो अगर कोई मिनरल का क्रिस्टल बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो हम उसके क्रिस्टल की हैबिट के बारे में भी पता करेंगे, ठीक है। ये बात रही स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है, जब बहुत सारे क्रिस्टल या बहुत सारा मिनरल एक साथ एक जगह पर हमें मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। कैसा है वो, बेट्राइडल फॉर्म है, ठीक है, रेनी फॉर्म है, पीजोलिटिक फॉर्म है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कलर की, कलर हम देखेंगे। सो दीज दोज प्रॉपर्टीज दैट अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ मिनरल और एटलीस्ट नैरो डाउन द पॉसिबिलिटी आर सेड टू बी डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी वो होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी मिनरल को आइडेंटिफाई करने में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कलर क्या डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है। द कलर इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी द ऑब्जर्वर सीज, ऑब्वियसली ये जो हम मिनरल को उठाएंगे तो कलर सबसे पहले हमें दिखेगा, लेकिन ये रिलायबल डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर मिनरल्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम क्वार्ट्स का लें, तो क्वार्ट्स क्या है, हमें ट्रांसपेरेंट भी मिल जाएगा, ठीक है ना, व्हाइट क्वार्ट्स भी मिल जाएगा, देन हमें रोज क्वार्ट्स भी मिल जाएगा, रोज कलर का क्वार्ट्स मिल जाएगा, देन हमें पर्पल कलर का क्वार्ट्स भी मिल जाएगा। तो दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, लेकिन किसी किसी मिनरल के डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है कलर। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो और मिनरल होते हैं, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम जो लेड का और होता है, लेड इज व्हाट, लेड इज PB, ठीक है, लेड। सो लेड का और होता है एक गलीना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये एक सल्फाइड होता है, एंड दिस इज नोन एज, इसका फॉर्मूला होता है PbS, ओके, लेड सल्फाइड। सो गलीना जो होता है वो लेड का ओर होता है, ठीक है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जो होता है लेड ग्रे, ठीक है ना, डार्क ग्रे टाइप का कलर होता है। सो ये इसकी डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मिनरल्स को देखें, तो कलर इज नॉट द डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, ओके, नॉट अ रिलायबल डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, इन मोस्ट मिनरल। नाउ लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले हैबिट, ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन इसके बारे में बात करेंगे, कलर के बारे में बात करेंगे, लश्चर के बारे में बात करेंगे, देन क्लीवेज, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं, हम हैबिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो हैबिट, व्हाट इज हैबिट? ओके, सो क्रिस्टल हैबिट, क्रिस्टल हैबिट ऑफ अ मिनरल रिफर्स टू द शेप ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल, ठीक है ना। तो जब मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल हैबिट की या सिर्फ हैबिट की, तो अगर कोई हमें सिंगल क्रिस्टल मिल रहा है किसी पर्टिकुलर मिनरल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैबिट। ओके, और अगर वो क्रिस्टल वेल फॉर्म्ड है, ठीक है ना, यानी कि मतलब उसके फेसेस यूहेड्रल है, जैसे हमने बात किया था, वेल डेवलप फेसेस हैं उसके, ठीक है ना, तो हम हैबिट की बात करेंगे। देन स्टेट ऑफ एग्रीगेशन भी होता है। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या हो कि जब वेल फॉर्म, जैसे हमें या तो सिंगल क्रिस्टल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल हमें हैलाइट का क्रिस्टल मिल रहा है, ओके, सपोज दिस इज हैलाइट एन ए सी एल, ठीक है, एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्यूबिक क्रिस्टल होगा, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे भाई ये क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है। देन अगर बहुत सारे क्रिस्टल हमें मिल गए हैबिट के, उसके सॉरी एन ए सी एल के, देन इसका बोलेंगे हम कि भाई इसका स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या है क्रिस्टल का, ठीक है। सो ये मैसिव है, ठीक है, कैसा है ये हम बात करेंगे, ठीक है। सो हैबिट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक बेसिक चीज आती है क्रिस्टल की, कि इंडिविजुअल क्रिस्टल हैबिट्स में इक्वांट, टेबुलर, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, कॉलमनर, ठीक है, ब्लेडेड, एक्यूकुलर, कैपिलरी और फिलीफॉर्म, ये सब आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंक्रीजिंग बी एंड सी, यानी कि अगर ब्रेड्थ इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ इंक्रीजिंग ए एंड सी, इसका मतलब ये है कि अलग लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो ए की बात करें, एक क्वांट, एक क्वांट बोले तो जैसे मैं एनएसएल क्रिस्टल की बात कर रहा था, एक क्वांट क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि सब डायरेक्शन में इक्वली इसका क्या है, स्ट्रेच है, ठीक है ना, इक्वल शेप है इसका ऑन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ भी लेंथ सेम है, यहाँ भी लेंथ सेम है, यहाँ भी लेंथ सेम है, तो एक तरीके का क्यूबिक फॉर्म दे रहा है, ठीक है। वैसे हम अगर बात करें टेबुलर की, तो ये टैबलेट शेप में, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है, जिसमें ब्रेड्थ इंक्रीज हो गई है। देन सी की बात करें प्लेटी फॉर्म में, जिसमें क्या है, डेप्थ नहीं है, ठीक है, थिकनेस नहीं है, सिर्फ प्लेट की फॉर्म में, तो दिस इज हम बोलेंगे प्लेटी, प्लेटी शेप है इसका, ठीक है। देन डी की बात करें तो दिस इज प्रिज्मेटिक, यानी कि प्रिज्म या कॉलमनर शेप है इसका, ठीक है ना, लॉन्ग है, ठीक है, प्रिज्म शेप में है। देन ई की बात करें, सो ये दिस इज ब्लेडेड, एक ब्लेड फॉर्म में, जिसमें थोड़ा सा थिकनेस तो है लेकिन फ्लैट है, ठीक है, काइनाइट का क्रिस्टल जो है ब्लेडेड होता है, ठीक है ना, क्लाइंट काइनाइट एक मिनरल होता है। देन एक्यूकुलर, एक्यूकुलर में क्या होता है, एक नीडल शेप होता है, ठीक है, नीडल शेप होता है। एंड देन कैपिलरी और फिलिफॉर्म, इसमें क्या होता है, और भी पतला होता है, नीडल से भी पतला हो जाता है, ठीक है, सो दिस इज हेयर लाइक। अब हम इसके डायग्राम भी देखेंगे आगे, ठीक है ना। सो ओके, सो हियर लुक एट सम डायग्राम्स, ओके, इमेजेस। सो मेनी क्रिस्टल हैबिट्स, ए प्रिज्मेटिक, ठीक है ना, प्रिज्म शेप में है, ये डायऑप्साइड का क्रिस्टल है, ओके। देन दिस इज कॉलमनर, कॉलम शेप में है, ये टूरमलिन का क्रिस्टल है, ठीक है, टूरमलिन। एक्यूकुलर या नीडल लाइक शेप में, आप देख रहे होंगे नीडल लाइक शेप, ठीक है, ये है मीजोलाइट के फाइबर, ठीक है। देन लेट्स लुक एट डी, ये टेबुलर शेप में है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आप देखते रहिए, ठीक है, टेबुलर शेप में है, बैराइट का क्रिस्टल है, ठीक है। नाउ ब्लेड क्रिस्टल ऑफ काइनाइट, जो मैं बात कर रहा था, ब्लेड शेप में है, ठीक है, दिस इज फाइबरस सेलेस्टाइट, ठीक है, फाइबर, स्मॉल स्मॉल फाइबर्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। देन दिस इज डेंड्रिटिक पैटर्न, ओके, डेंड्रिटिक पैटर्न मतलब जैसे ट्री की ब्रांचेस रहती हैं वैसा कुछ होगा, देख रहे होंगे स्मॉल स्मॉल डेंड्रिटिक फैशन में ये
क्रिस्टल दिख रहा है, ठीक है। एंड दिस इज एच फोलिएटेड मस्कोवाइट, ठीक है। मस्कोवाइट इज माइका और शीट सिलिकेट। सो इसमें क्या है, डिफरेंट छोटी छोटी प्लेट्स आपको देखी होंगी, ठीक है, पत्ती पत्ती प्लेट्स। तो दिस इज फोलिएटेड मस्कोवाइट या प्लेट ही आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको और डिफाइन करें हम, प्रिज्मेटिक का मतलब क्या हो, मिंडल हैज एन इलोंगेटेड हैबिट, ओके, विद द बाउंडिंग फेसेस फॉर्मिंग अ प्रिज्म लाइक शेप, ठीक है ना, बाउंडिंग फेसेस फॉर्मिंग अ प्रिज्म लाइक शेप, कॉमन इन द मेंबर ऑफ पाइरोक्सिन एंड एम्फिबोल ग्रुप, ठीक है। तो डायऑक्साइड क्या होता है हमारा, पाइरोक्सिन होता है, ठीक है। कॉलमनर की बात करें तो कॉलमनर भी सेम होता है प्रिज्मेटिक की तरह, ठीक है ना, राउंडेड कॉलम्स, जैसे कि टूरमलिन क्या होता है, राउंडेड कॉलम्स में पाया जाता है। तो अगर आपको टूरमलिन फील्ड में मिलेगा तो आप इजीली उसे पहचान पाओगे, बिकॉज इट एग्रीगेट्स इनटू अ कॉलमनर स्ट्रक्चर, एक्यूकुलर निडल लाइक, ठीक है ना। तो जियोलाइट ग्रुप एक मिंडल होता है, इसके मिंडल्स जो हैं, इसके अंदर जो मिंडल आते हैं जियोलाइट ग्रुप के अंदर, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्यूकुलर शेप में होते हैं, यानी कि निडल लाइक, ओके। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टेबुलर डिस्क्राइब क्रिस्टल मासेज दैट आर फ्लैट लाइक अ बोर्ड, ठीक है ना। सो बैराइट क्या होता है, टेबुलर होता है। देन ब्लेडेड क्रिस्टल, ठीक है, रिफर्स टू क्रिस्टल शेप दैट आर एलोंगेटेड एंड फ्लैट, काइनाइट ये शो करता है। देन कैपिलरी मतलब क्या होता है, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक, ठीक है। मिलराइट ये क्रिस्टल होता है जो कैपिलरी क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन फाइबरस, देन अगेन इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कैपिलरी और फाइबरस में, ठीक है ना। थ्रेड लाइक मासेस, ओके। कैपिलरी थोड़ा क्या होता है, हेयर लाइक, यानी कि थोड़ा और पतला होता है। फाइबरस इज थ्रेड लाइक मासेस एग्जिबिटेड बाय क्रिस्टोटाइल। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है, ये सब एग्जाम्पल। क्रिस्टोटाइल क्या होता है, एक एस्बेस्टस का फॉर्म होता है, ठीक है। क्रिस्टोटाइल इज बेसिकली अन एम्फीबोल, ओके आई थिंक, ओके यू कैन डबल चेक दैट। सो एस्बेस्टस एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल मिनरल है, जिसको यूज करते हैं हम इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर, ठीक है ना। सो ये क्या होता है, एस्बेस्टस पॉइजनस भी होता है, ओके। सो इट्स यूज इन शिप्स। तो आपको अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे आप, तो आप देखते होंगे कि जो शिप की ब्रेकिंग होती है, ठीक है ना, इंडिया में भी होती है, बांग्लादेश वगैरह में भी होती है, तो वहाँ जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए एस्बेस्टस हेल्थ हजार्ड होता है, बिकॉज एस्बेस्टस इज यूज इन शिप स्ट्रक्चर, ठीक है, एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो ये बात रही, और क्रिस्टोटाइल एक तरीके का एस्बेस्टस होता है, ठीक है ना। नाउ डेंड्रिटिक क्या होता है, ट्री लाइक फैशन, ट्री ब्रांचेस लाइक फैशन में होता है, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड जो मिनरल होते हैं, ठीक है, वो डेंड्रिटिक फैशन शो करते हैं, ओके। देन फोलिएटेड एज इन माइका, फोलिएटेड का मतलब क्या होता है, स्टैक ऑफ थिन लीव्स, जैसे कि हमने कोई पतली पत्तियां वगैरह एक के ऊपर एक रख दी होंगी या प्लेट्स रख दी होंगी और वो इजिली सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। सो माइका, ग्रेफाइट ये फोलिएटेड शो करते हैं। मैसिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब मिनरल स्पेसिमेन दैट इज टोटली डिवाइड ऑफ क्रिस्टल फेसेस, ठीक है। तो कोई ऐसा स्पेसिमेन जो है तो क्रिस्टल, लेकिन नेचर में उसके क्रिस्टल फेसेस बिल्कुल नहीं है, तो एक एक मैसिव मास के तौर पे दिखेगा हमें, ठीक है ना, उसके वेल डेवलप्ड फेसेस नहीं होंगे। तो ये बात रही क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल्स हैबिट की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ एग्रीगेशन की। तो स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या है, जब बहुत सारे क्रिस्टल मिल जाते हैं, ठीक है ना, मोस्ट मिनरल स्पेसिमेन अनलेस अनयूजुअली वेल क्रिस्टलाइज अपेयर एज एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर ग्रेन्स। तो होता क्या है, जब मैं हैबिट की बात कर रहा था यहाँ, तो यार ऐसे क्रिस्टल मिलना बहुत रेयर होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमें वेल डेवलप क्रिस्टल फेसेस मिल रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल क्रिस्टल मिल रहा है, ठीक। तो ये रेयर होता है, लेकिन ज़्यादातर हमें जब मिनरल्स मिलते हैं या क्रिस्टल मिलते हैं, वो स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मिलते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके जो एक बड़ा मास बना देते हैं मिनरल ग्रेन का, ठीक है ना। तो आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर क्रिस्टल नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। दीज आर एग्रीगेट मासेस, ठीक है ना। सो इसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। अब इसमें क्या है, ये आपको ग्रीन ग्रीन या येलोइश ग्रीन दिख रहा होगा, दिस इज ऑलिविन। तो ग्रेनुलर ग्रेन्स ऑफ येलो ग्रीन ऑलिविन, ऑलिविन की जो जेम वैरायटी होती है उसे हम बोलते हैं पेरीडोट, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखिए। सो ऑलिविन जनरली क्या होता है, पेरीडोट लिख देता हूँ, सॉरी अबाउट माई राइट,
पेरीटोट, ओके, PERIDOT, ओके। सो ये वॉल्केनिक बॉम्ब में पाया गया है, अल्ट्रामाफिक रॉक होती है, ठीक है, ड्यूनाइट, जिसके अंदर ऑलिविन मिनरल होता है, ठीक है। ये ग्रेनुलर शेप में है, ठीक है ना। दिस इज फाइनली बेंडेड पॉलिश्ड स्लैब ऑफ अगेट, ओके। देन दिस इज बटराइडल, बटराइडल शेप, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। देन बटराइडल गोइथाइट, ओके। देन रेनिफॉर्म हेमाटाइट, हेमाटाइट क्या होता है, Fe2O3, ओके। सो रेनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, किडनी जैसा शेप होगा इसका, तो हेमाटाइट क्या है, आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है। देन अ जियोड विद आउटर लाइनिंग ऑफ स्लाइटली ब्लू चालसीडनी, चालसीडनी इज अ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका क्वार्ट्स, ओके, जिसमें कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है। देन दिस इज ओलिटिक एंड पीजोलिटिक लाइमस्टोन। ओलिटिक में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे राउंडेड ग्रेन्स होते हैं, वो मिलके बनाते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी सेम होता है, पीजोलिटिक भी राउंडेड होते हैं लेकिन पी शेप के होते हैं, ठीक है ना, पी मतलब मटर के दाने जैसे, ओके। तो दिस इज अगेन पीजोलिटिक बॉक्साइट, ओके। तो बॉक्साइट जो होता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम का ओर होता है, वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, पिजोलिटिक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कैसे कैसे इनकी डेफिनेशन, ठीक है ना। ग्रेन्यूलर अप्लाइज टू रॉक एंड मिनरल स्पेसिमेन दैट कंसिस्ट ऑफ मिनरल ग्रेन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल डायमेंशन इन द रॉक ड्यूनाइट कंपोज असेंशियली ऑफ ग्रेन्यूलर ऑलिविन ग्रेन्स। जैसे कि हमने ड्यूनाइट को देखा, ड्यूनाइट ऑलिविन से बनी होती है, ऑलिविन एक मिनरल होता है, ठीक है ना। सो मिनरल ग्रेन्स आपको दिखेंगे उसमें। देन कॉम्पैक्ट, जिसमें फाइन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, आपको दिखेंगे नहीं, राउंडेड ग्रेन्स नहीं दिखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे फाइन ग्रेन होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट, एज इन क्ले मिनरल, जैसे कि चर्ट या फ्लिंट। देन बैंडेड दैट शो बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर, जैसे कि अगेट में होता है, ठीक है ना। अगेट क्या है, SiO2 की वैरायटी है, ठीक है ना, क्वार्ट्ज की। अगेट बेसिकली क्या है, जैसे चालसीडनी एक मिनरल होता है क्वार्ट्ज का, ठीक है, क्वार्ट्ज की वैरायटी होती है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बैंड दिखाता है, तो ये अगेट एग्रीगेट जो होता है इसका, इसको बोलते हैं अगेट, ठीक है। ऑल्सो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन क्या है, कॉमनली शो बेंडिंग, ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रक्चर। और ये यह ध्यान में रखिए, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन की बात हो रही है, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ठीक है, एक साथ मिल रहे हैं हमें। देन बोट्रॉइडल क्या होता है, ये काफी बार पूछा जाता है, ग्रीक वर्ड बोट्राइस से आना है, बैंड ऑफ क्रस्टर ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना। तो अगर हम छोटे छोटे ग्रेप्स को एक साथ रख दें तो कैसे दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं बोट्रॉइडल शेप, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप। इन अ बोट्रॉइडल अपेयरेंस द राउंडेड प्रोमिनेंस आर जनरली ऑफ अ स्मॉलर स्केल देन दो डिस्क्राइब एज मैमिलरी, ठीक है ना। मैमिलरी भी होता है, तो मैमिलरी, बोट्रॉइडल, पीजोलिटिक, ठीक है ना, और रेनिफॉर्म, ओलिटिक, ये सब क्या है, स्फेरिकल शेप होती हैं, बट इनके जो होते हैं, जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। बोट्रॉइडल में क्या होता है, ग्रेप साइज होता है, मैमिलरी में थोड़ा और बड़ा होता है, ठीक है। देन पीजोलिटिक में पी शेप होता है, ओलिटिक में थोड़ा और छोटे होते हैं, ठीक है ना, राउंडेड ग्रेन होते हैं। रेनिफॉर्म में क्या है, किडनी शेप होता है, जैसे कि मैंने हेमेटाइट में दिखाया आपको, ओके। स्टेलेक्टाइट में क्या है, स्मॉल स्टेलेक्टाइट्स आपको देखे होंगे केव्स, अगर लाइमस्टोन की केव्स में जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे आपको ड्रिपिंग टाइप की दिखेगी लाइमस्टोन की रूफ के ऊपर, केव की रूफ के ऊपर, तो इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, वैसे स्टेलेगमाइट होता है, ठीक है। दीज ऐसे शेप में अगर कोई मिनरल दिख रहा है तो उसे बोलेंगे स्टेलेक्टाइट। जियोड क्या है, जियोड इज अ रॉक कैविटी पार्शली फिल्ड विद मिनरल। तो होता क्या है कि ज्यादातर वेन्स में जो हमें मिनरल मिलते हैं, ठीक है ना, मिनरल वेन्स जो होती है, तो वहाँ ऐसे कुछ शेप में आपको दिखेगा। तो जियोड क्या होता है, वो यही होता है, वही, ठीक है ना। अगर हम उसको निकाल दें तो उसको होल को बोलेंगे जियोड। तो अमीथाइस्ड एक क्वार्ट्ज की वैरायटी होती है, वो जियोड में मिलती है, ठीक है ना, अमीथाइस्ड। वहीं ओलिटिक हमने देख लिया, साइज ऑफ फिश रो, मतलब जैसे फिश के अंडे होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा कि कैवियर वगैरह,
अगर उस शेप में अगर हम मिल रहे हैं स्फेरिकल शेप, तो उसको मिलेंगे ओलिटिक, पीजोलिटिक बोले तो पी शेप। तो आपको एग्जांपल याद रखने, बॉक्साइट पीजोलिटिक, ठीक है ना, हेमाटाइट ओलिटिक या रेनिफॉर्म। पीजोलिटिक क्या होता है, लार्जर देन द ओलिटिक। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। लाइमस्टोन भी क्या होता है, ओलिटिक में मिल जाता है, ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दिस। ओके, सो हियर इज अ टेबल फ्रॉम पर्किंस। ओके, आप चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने बात की इंडिविजुअल क्रिस्टल की, बात करें तो हम ये बात करेंगे क्वांट, ब्लॉकी, एक्यूकुलर, टेबुलर, ठीक है ना। और हम अगर क्रिस्टल एग्रीगेट्स की बात करें, जैसे बहुत सारे क्रिस्टल मिलते हैं, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं है? और आप एग्जाम्पल इनके याद कर लीजिए। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूहेड्रल टूरमलिन, ठीक है, यूहेड्रल बोले तो जब क्रिस्टल शेप्स, क्रिस्टल फेसेस हमें बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली एनक्लोज बाई क्रिस्टल फेसेस, सब हेड्रल क्वार्ट्स, ठीक है। सब हेड्रल का मतलब क्या होता है, जब क्रिस्टल फेसेस कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्वार्ट्स क्या होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा क्रिस्टल फेसेस, यहाँ पे तो कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सब हेड्रल। देन आता है एनहेड्रल, ठीक है ना। तो एनहेड्रल क्या है, जिसमें बिल्कुल हमें फेसेस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। सो ये एक एपेटाइट का क्रिस्टल है, ठीक है, एपेटाइट का क्रिस्टल है, एपेटाइट, एंड दिस इज एनहेड्रल, ठीक है ना। तो ये बात रही क्रिस्टल फेसेस की। तो हैबिट हमने डिस्कस कर दिया, अब हम कलर पे आएंगे। तो आई थिंक कलर की बात हम आगे अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम कलर एंड लश्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कैसे हम देखेंगे, दिस इज दी कंटेंट। और हम बात करेंगे डिफरेंट थ्योरीज की, कि कलर कैसे मिलता है हमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फील्ड थ्योरी, ठीक है, लश्चर की बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट डाइफिनिटी, ओके, ट्रांसलूसेंट वगैरह ये सब बात करेंगे। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ये रही हैबिट की बात, आगे हम बात करेंगे कलर की। ओके, थैंक्स एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। ओके।